फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल डे। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे हमारी लाइफ का। और आज है एक स्पेशल इंसान का बर्थडे, जो कि है इंदर का बर्थडे आता है फेब में ही आता है, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी और इनका बर्थडे दोनों ही एक साथ आते हैं। क्योंकि मैंने वॉल्यूम का बटन शायद नीचे अप एंड डाउन कर दिया था, इसलिए वॉल्यूम ही चली गई थी। तो आज है इंदर का बर्थडे, और आज के दिन हमारी लाइफ का एक ऐसा मतलब दिन है जो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे हम इस दिन को। तो इसीलिए भगवान ने भी यही सोचा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, और आज इंदर का बर्थडे भी निकल गया अनफॉर्चुनेटली। मतलब एक कोइंसिडेंट था कि मतलब इंदर का बर्थडे और आज हमारी लाइफ का जो ये खास दिन है जिसके लिए हमने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किए, तो वो आज वो दिन आ चुका है। तो फाइनली हम लोग रिवील करने वाले हैं। क्या रिवील करने वाले हैं? सारवी तो सो रही है। तो आज हम रिवील करने वाले एक ऐसी हमारे पार्ट को, हमारी लाइफ से बहुत ही हमारे दिलों में, मतलब जो है ना, हमारी रातों की नींद उड़ चुकी है उस चीज़ की वजह से, बहुत बहुत ही मतलब बड़ा चेंज आने वाला है हमारी लाइफ का, जो बहुत ज़्यादा जितना हमने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, इंदर ने स्ट्रगल किया है, हम इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं जितना इंदर कर रहे हैं। तो मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा मतलब इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे वो, और मैं चाहती हूँ कि अब उनकी लाइफ में वो सारी परेशानियाँ, सारे जितने भी मतलब अच्छी बुरी चीज़ें थी उनकी लाइफ में, वो सब कुछ का दी एंड हो चुका है अब। और आने वाला जो साल है इंदर के लिए बहुत ही ब्लेसफुल हो, हेल्दी हो, उन अच्छे अचीवमेंट करें, मतलब आगे बढ़ें वो अपनी लाइफ में, यही विश है इंदर का। हैप्पी बर्थडे इंदर। वो वैसे व्लॉग बहुत कम देखते हैं जब बच्चे देखते हैं तभी देखते हैं वो, तो वैसे तो वो देखते नहीं हैं, बट हमारी लाइफ का बहुत ही बहुत बहुत बड़ा दिन है ये आज का दिन। और भी मतलब ऐसा है कि ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही मतलब मुश्किलों से गुजरा है इतना टाइम, इतना हमने सबसे छुपा के रखा, लेकिन आप लोगों से छुपा के रखा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए आप लोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, मेरी फैमिली हो, तो और मैंने आप लोगों से भी छुपा के रखा। और ये हमारी जब हम चाहते थे कि ये एक ऐसे दिन सबको पता चले, जब हम लोग मतलब ओपनली कह सके कि हाँ हमने ये किया है, तो इस दिन का मुझे इंतज़ार था, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो हर एक मोमेंट मैं कैप्चर करूँ, तो उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। अगर वो हो जाएगा तो पॉसिबल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम इन्वॉल्व हो रहे हैं और हम वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं कि, और आज हमारे, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आज क्या है। आज है हम एक ऐसी चीज़ जो मतलब आप लोगों को पता होगा कि मतलब लाइफ में जब आपके पास जॉब नहीं होती, आपके पास कोई बिजनेस नहीं होता, आपके पास कोई बैकअप नहीं होता, आपके पास लाइफ में क्या करना है ये नहीं होता, जब तक बहुत मुश्किल हो जाती है आपकी लाइफ को मतलब चलाना। अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही वरीड थे अभी तक, और भगवान ने हमारी सुनी और हमें इतना काबिल बनाया, हमारी फैमिली ने हमें इतना सपोर्ट किया, तो आज वो दिन आ चुका है जब हम अपनी लाइफ में एक ऐसा जो वो करने वाले हैं, मतलब जो हमारी लाइफ चेंज कर देगा, जिसके लिए हमें मेहनत करी है और आगे भी और भी मेहनत करनी है, मुझे भी इंदर के साथ मिलके बहुत सारी मेहनत करनी है। तो वो दिन है, वो पल है, जो मैं आपको बता के नहीं, दिखा के आपको वो करूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज अभी इंदर जा चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल, और तैयारी के लिए इंदर गए हैं अभी कुछ काम से, और बस आज का दिन है हम लोगों के लिए सबसे स्पेशल।
बस यही। और बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि रिवील मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा हमारा अभी थोड़ा टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है जिसमें सो फाइनली मैं रिवील करती हूँ कि हम लोग जो है अपना कैफे खोल रहे हैं, जो कि मतलब बहुत ही जिसे बोलते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, ये है हमारा। सो ये कैफे नोएडा में है और बहुत ही मतलब दिल से इसकी हर एक चीज़ को बनाया गया है, सबकी मेहनत है और सबकी ब्लेसिंग्स के वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है कि आज हम अपना कैफ़े खोलने जा रहे हैं। इंदर काफ़ी इंदर ना मतलब ये बोलते थे कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली वो दिन आ गया है जहाँ हम करने जा रहे हैं वो चीज़ को। और मैंने हमेशा से इंदर को यही बोला है कि अपने आप पे विश्वास रखना, कि तुम कभी भी कोई भी चीज़ करो और उस पे विश्वास नहीं करोगे ना तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये हमारे लिए हमारे मतलब बहुत ही, मम्मी पापा भी आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनका जो ड्रीम है मम्मी पापा का, क्योंकि देखो हर पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे जो है उनके बच्चे जो है अपने पैरों पे खड़े हो। तो भगवान की दुआ से कि आज वो दिन आया है, क्योंकि तीनों जो इंदर को भी फील होता था ये चीज़ की। तो मैं ही हूँ इस घर में जो सबसे मतलब फाइनेंशली जो है किसी की हेल्प नहीं कर सकता, अपनी ही हेल्प नहीं कर सकते तो हम दूसरों की क्या करेंगे। तो मैं हमेशा इंदर को ये बोलती थी बस सिर्फ एक विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, मुझे अपने आप पे इतना विश्वास नहीं है जितना तुम पर है, और तुम जो भी काम करोगे बहुत अच्छा करोगे। और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब प्लानिंग क्या है सडनली बनी, मतलब लास्ट ईयर से हमने सोचा था ये कैफ़े का, कैफ़े जो है पहले जो नर्सरी के स्पेस बचा हुआ था तो उसमें ही एक कैफ़े का भी हमने सोचा था लास्ट ईयर से। ये सोचते सोचते 1 साल बीत चुका है इस कैफ़े को तैयार होने में, और अब भी 1-2 दिन बाकी है क्योंकि उसमें कुछ इक्विपमेंट है, जो भी सामान है वो नहीं आया है। पहले तक था कि शेफ़ नहीं मिल रहे थे, तो शेफ़ मिले हैं, तो अब जो है जो सामान है उसमें थोड़े से डिले है, बिकॉज क्योंकि सामान जो है ना कि इतने मतलब महंगे हैं, तो हमें हर चीज़ अपना बजट भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो वो मोनू भैया हैं इंदर के साथ, एक एक चीज़ों को मोनू भैया जो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें करनी हैं वो समझाते हैं, जहाँ वो गलत होते हैं मुझे पता है सब कुछ अच्छा होएगा। मैं भी अभी बीच में उनके साथ फर्नीचर वगैरह जो भी था वो मैं खुद गई थी, मैंने उनको बोला था चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 2 जनों का ओपिनियन तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं उनके साथ गई, सारी चीज़ें हम लोगों ने सेलेक्ट की, हम पूरा दिन घूमे मार्केट में, जब मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन भी हम गए। तो जो चीज़ें हैं मैं उनके सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों की वजह से मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ। देखो अब फाइनली वो दिन आया है जहाँ हमारा जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। 1-2 दिन अगर मेरे बस में होता ना तो मैं सच में बता रही हूँ कि मेरे अंदर बस मुझे मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चों को कोई संभाल ले और मुझे वो काम करना है। जैसे फर्नीचर का काम था, फर्नीचर का काम में मैंने मतलब 1 दिन, बस 1 दिन थोड़ा सा मैंने अपने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं यार मुझे आज करना है ये। मैंने इंदर को जबरदस्ती करी नहीं आज फाइनल करना है, मतलब करना है, मैं करके ही जाऊंगी। मैं पहले सुबह गई, पहले फर्नीचर सारा देख के आए, फिर 12:30 हो गए सारवी को लेने आए, फिर दोबारा भागे फर्नीचर वाले की शॉप में और शॉप्स हमने ढूंढी, फिर जो फाइनल किया, फिर उसके बाद 2:30 बज गए, फिर मैं आरोहन को लेने आई, फिर उसके बाद फिर दोबारा हम मार्केट गए, जो कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमने उस दिन भंडारा खाया था। फिर उसके बाद हम गए, क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा था। इस फ़ोन में यही दिक्कत है, पता नहीं मेमोरी इतनी जल्दी भर जाती है और समझ में नहीं आता, आजकल नेटवर्क भी नहीं आ रहे मेरे फ़ोन में, पता नहीं क्या हो रहा है। ये मुझे लग रहा है जो ई सिम हुआ है ना, ई सिम में भी कुछ गड़बड़ है, ई सिम में मुझे नहीं लगता कि ये नेटवर्क ही नहीं आते यहाँ पर। तो ये था, और मैंने मतलब उस दिन मैंने ठान ली थी कि मुझे ये काम करवाना है चाहे, तो मैंने उस दिन उनको बोला था कि आज मैं करके ही जाऊंगी और खाना भी मैं तभी खाऊंगी
हम लोग तभी खाएंगे जब मेरा ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। और मैंने ना मतलब मैं बताऊं कि मुझे शुरू से ही ये एक चीज़ है मेरे मेरे में, मैं ऐसे नहीं बोल रही अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मुझे जो चीज़ करनी होती है ना अगर मेरे बस में होता तो मैं करती हूँ, अगर नहीं होता तो भाई देखो कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने इंदर को बहुत अच्छे से समझाया, फाइनली इंदर माने कैफ़े को खोलने के लिए। और पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत, कि जैसे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनका ड्रीम था कि मतलब उनका सपना है कि इंदर जो है अपने पैरों पे खड़े हुए, ये चारों में से सबसे मतलब जब से इनकी नौकरी गई है तो इंदर काफ़ी, क्योंकि हमने एक एक दिन बहुत बहुत ही मुश्किलों से निकाला था, उस टाइम पे हमें पता है कि हम कैसे निकाला, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फैमिली ने, फाइनेंशली तो वो करते ही है, लेकिन एक एक होता है ना कि मेंटली इंदर जैसे अभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, कि हेल्पलेस हो जाते हैं कि हम क्या करें कैसे करें, नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, तो पापा हमेशा कहते कि तेरे मैं खड़ा हूँ अभी, जो भी दिक्कत है तू हमारे पर छोड़ दिया कर, कुछ भी परेशानी है हमारे पर छोड़ दिया कर। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है ना, तो दोनों भैया हैं तो वो हमेशा मतलब जब भी इंदर को कभी कोई दिक्कत होती है तो खड़े रहते हैं, सब खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खड़े होते, सब खड़े रहते हैं सब। अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे तो उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, जहाँ पूरी फैमिली का जाता है कि मतलब स्पेशली मोन भैया का, पापा मम्मी का, कि वो हर हर रोज़ मतलब चाहे देखो घर में लड़ाइयाँ होती है बहुत, हर किसी में, मैं मुझ में भी बुराइयाँ हैं, सब में बुराइयाँ होती है, लेकिन जब आपकी फैमिली उन बुराइयों से आपको वो करती है कि मतलब ये तू गलत कर रहा है, एडवाइस देती है कि नहीं तू ये गलत कर रहा है तू ये सही कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको सपोर्ट मिलता है मेंटली, आप सपोर्ट स्ट्रांग होंगे तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो ये मेरे लिए है और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा, जो हम लोगों ने, जो मैंने तो सोचा था कि इंदर कर सकते हैं, ठीक है इंदर ने नहीं सोचा था, तो मैं चाहूँगी कि इंदर भी इस चीज़ पे राय दे और मैं चाहूँगी ज़रूर कि इंदर इस चीज़ पे बात करे, कैमरे के सामने आके बात करे कि इंदर क्या फील करते हैं, कि ये काम उन्होंने किस तरीके से शुरू किया, अगर कर क्या था इनका पूरा वो, तो मैं चाहती हूँ कि इंदर से भी बात करूँ। आज सब आएंगे, हमारा इतना बड़ा दिन है तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही वो हो गई हूँ, तो सभी आएंगे, तो भैया भाभी भी, जो कि आज भैया ने स्पेशली छुट्टी करी है कि यहाँ आने के लिए, बच्चों को लेके आएंगे, भाभी भी आएंगी और मोनिका, मोन भैया तो है ही है वहाँ पर, तो मोन भैया तो हमेशा है ही हमारे साथ, और रितिका है, सोन भैया है, उन क्या कहते हैं मम्मी पापा है, मम्मी पापा तो पहले ही आ चुके थे, और बस आज देखते हैं सबका, देखते हैं कि मम्मी पापा से भी बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें, और देखते हैं अभी क्या फील कर रहे हैं पापा मम्मी, क्योंकि उन्हें भी वेट नहीं हो रहा इन चीज़ों का कि कब हमारा कैफ़े ओपन होगा। ओपन आज से हमें करना था लेकिन जो कुछ सामान हमने ले नहीं पाए, मुझे भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, कोल्ड क्योंकि ऐसा ना वेदर चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी है रात में ठंडा थोड़ा, तो ये चीज़ें सारी पेन कर रही है, तो बस यही है, ज़्यादा बातें ना करूँ और जो मेरा काम पेंडिंग है वो कर लेती हूँ। सो हम लोग फाइनली तैयार नहीं हुई हूँ मैं, सामान सारा इतना हो गया है ना, खरीदना खरीदना बहुत हो गया है, 3 बजे तो आरोहण ही आए हैं, अब बहुत, अब जो है बस हमें जाना है कि आरोहण तैयार हो रहा है नहाकर, सुबह में नहा के नहीं गया तो अब नहाया, अब तैयार होगा, 10 घंटे तो उसे ही लगेंगे अभी, और हम लोग बिल्कुल तैयार है, बाहर खड़े हैं लेकिन फिर भी, और मैं तो गाड़ी में तैयार होंगी जितना भी हो सके, गाड़ी में तैयार होना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इतना सारा सामान है, इंदर चले गए थे नर्सरी तो इस वजह से और ज़्यादा लेट हो गए, नहीं तो सामान पहले खरीद लेते हम ना, अभी अभी तो मुझे लग रहा है
और कुछ छूट ना जाए, बस छूटना नहीं चाहिए कुछ भी ना, बस तैयार कैसे हो। अब चलते हैं फटाफट से रेगुलेटर, तो इंदर जो है सिलेंडर का अभी जगह बना रहे थे। नहीं हमें नहीं चाहिए, ये सारा सामान है, अब पता नहीं कहाँ। और ये वो बेडशीट ले ली, तो बेडशीट तो हो गई हमारी। टमाटो वगैरह पिचक जाएंगे, टमाटो आगे रख लेती हूँ। नहीं वो इतना सारा सामान है जो हमें ले, ओ माय गॉड, मुझे कैसे मैनेज करना पड़ेगा अब। देखो इधर भी पैक है, और मैं मेकअप भी करना है। कैसे क्या हुआ सुनो, उधर तो बच्चे लड़कों से करा लेना, उठा लेना। अभी सर में दर्द थोड़ा कम हुआ है, काम की इतनी भगा थोड़ी हो जाती है एक साथ। परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांगे श्री गौतम बुद्ध नगरे। इस जगह का नाम दीजिए सर, प्लॉट नंबर जो अच्छा, इसका नाम दे दीजिए, इस नाम से पेटल्स एंड फर्क। हाँ मासा नाम मासे माघ मासे शुक्ल क्षेत्र दशक शुभ महापूरित हो गुरुवार वास्त्रे आदि गुरुवार वास्त्रे। अपना नाम दीजिए सर, गोत्र भारद्वाज, गोत्र उत्पन्न सपत्नी शेखर माँ। अपना नाम दे दीजिए, बच्चों का नाम, परिवार सभी लोग अपना नाम दे उच्चारण करें। सपरिवार सकुटुंब सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु लक्ष्मी ऐश्वर्य सर्व सिद्धि प्राप्ति हेतु व्यापार उद्देश्य शुभ मुहूर्ते पूजनम पुष्पा गौरव अहम करिष्यामि। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न आह्वामि स्थापयामि पूज्यामि निवेदयामि श्रीमहापराधिपतये। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकांक्ष। आप वहाँ पे हर जगह पे दीपक दिखा देंगे चारों तरफ से, सब लोग कमरे में। हाँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकांक्ष मंगलाय तनोहरि नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः कृष्णाय नमो नमः वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीपति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु
जयकारा शेरवानी का प्रेम अंदर देखा दे चारों तरफ किचन में श्री राधे 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 राधे। पीछे भी लेके तो आप सभी लोग आरती प्रणाम कर लीजिए। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे कहीं के आप होने तो यहाँ ऐसा।